नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैंने आज हिंदी ग्रामर के ऊपर मॉडल बनाया है, जिसका टॉपिक है अव्यय। अव्यय को विकारी शब्द भी कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा बताऊंगी। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा विषमयादि बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा निपात, पांचवा समुच्चय बोधक। अब मैं इन 5 की परिभाषा बताऊंगी और समझाऊंगी। और पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, वह तेज भागता है, कम खाया करो। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब मैं इन 4 की परिभाषा बताऊंगी। पहले बताऊंगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग, तरीका या रीति का ज्ञान होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, हवा धीरे धीरे चल रही है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, इसमें ध्यान पूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में ज्ञान कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह बाहर खड़ा है, इधर उधर मत देखो। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता को बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह परसों आएगा। इसमें परसों कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। सदा सत्य बोलो, सदा इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। अगला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिणाम को बताए, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, कम बोलो, अधिक उपजाओ। इसमें कम इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है, अधिक इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। अब अगला भेद अव्यय का अगला भेद है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, गलनानी, घृणा आदि भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें विषमयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण, पहला है, वाह क्या चौका मारा। दूसरा, बाप रे इतना लंबा सांप। तीसरा, अरे ये लड़का कितना गंदा है। अव्यय का तीसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या स्वनाम
आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, पहला राम छत के ऊपर खड़ा है, दूसरा विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हम जानते हैं, काल वाचक के बाद से पूर्व के उपरत आदि, स्थान वाचक के भीतर के बाहर के नीचे से ऊपर इत्यादि, दिशा वाचक के पास से दूर के चारों ओर, समानता वाचक के सामान की तरह के जैसे, विरुद्ध वाचक के विरुद्ध के प्रति न के विपरीत आदि, हेतु वाचक के कारण के मारे के आदि, साधन वाचक के द्वारा के जरिए के सारे आदि, तुलना वाचक के आगे के समझ आदि। अव्यय का अगला भेद है निपात। निपात जो अव्यय शब्द वाक्य के किसी पद को विशेष बल प्रदान करे उसको निपात कहते हैं। निपात का समतंभ अर्थ नहीं होता। उदाहरण, सचिन ने ही मुझे मारा, इसमें ही निपात है। सचिन ने मुझे भी बुलाया, मुझे इसमें निपात है। अब इसका अव्यय का अगला भेद है समुच्चय बोधक, जो लास्ट भेद है इसका, पांचवा। समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार हैं। पहला इसका प्रकार है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो या अधिक समान पदों वाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण है, तुम्हें परिवार और समाज का ध्यान रखना चाहिए, उसने परीक्षण किया किंतु पास नहीं हो सका। इसके भेद है, चार भेद है इसके, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक। समुच्चय बोधक का अगला भेद है वैधिकरण समुच्चय बोधक, मिश्री वाक्यों में आशित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण है, यद्यपि वह शिक्षित है परंतु अनुभवी नहीं, वह बीमार है इसलिए न जा सका। इसके भेद है कारण वाचक, उद्देश्य वाचक, स्वरूप वाचक, संकेत वाचक। अब मैंने सब अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में सब कुछ बता दिया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगे। धन्यवाद।